Okay, so online students, bache, so today we are going to do a practical of Visual Basic. So I hope you people have installed the Visual Basic in your systems, okay? So side by side do the practical. The same example we did in the class. Kaun si kari thi humne? Join first name and last name and display your full name, right? Second, two applications we have to make. The first application aap ye banaoge. Second application where you are going to add two numbers. फर्स्ट पहले नेम वाला कंप्लीट करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दैट यू विल डू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग अ वीबी एप्लीकेशन ओके सो आई होप एवरीवन हैज ओपन द वीबी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो एप्लीकेशन हमने आपकी क्लास में प्रोजेक्टर पे भी करी थी याद है वी डिड द डेमो ऑफ दिस एप्लीकेशन सो फर्स्टली यू हैव टू ड्रैग वन लेबल फर्स्ट नेम क्या है पिक आउट हमने किया हुआ है फर्स्ट नेम क्या है इट्स अ लेबल कंट्रोल दैट इज लेबल वन टू सेट द प्रॉपर्टीज फॉर दिस देन लास्ट नेम दैट विल बी लेबल टू देन फुल नेम दिस इज लेबल थ्री यहाँ पे मैंने एक लिया लेबल ओके अभी ये लेबल फोर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इफ वी वांट कि लेबल फोर शुड नॉट बी अपीयर तो व्हाट वी विल डू क्या करेंगे व्हिच प्रॉपर्टीज टू बी सेट फॉर लेबल फोर भूल गए टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एम्प्टी कर देंगे अगर टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम एम्प्टी सेट करेंगे तो दैट मींस दैट फील्ड विल बी नॉट बी विजिबल राइट तो यहाँ पे आपकी मर्जी अगर आपने लेबल फोर का टेक्स्ट इनेबल रखना है या आपने उसको डिसेबल करना है एंड दिस इज टेक्स्ट बॉक्स टू एंड दिस इज अ बटन तो साइड बाय साइड बच्चे लुक एट दिस प्रॉपर्टीज विंडो अब यहाँ पे देखो मेरा करंटली सिलेक्टेड कंट्रोल है फर्स्ट नेम दैट इज लेबल वन सो यू आर गेटिंग हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेबल वन ये लेबल वन नेम से आ रहा है क्योंकि मैंने इसका नेम नहीं चेंज करा लेकिन इसके टेक्स्ट में व्हाट वी हैव रिटन First name, so you can see in the text. Okay. Similarly, label two. So, ये label two की properties enable हो गई. Label two text property. Text है last name. Okay. Third, label three. Full name. Full name हमने किसमें set करा? Again in a text property. Right. This is text box one. Now see, text box one name के अंदर text box one set हुआ है. नेम प्रॉपर्टी के अंदर टेक्स्ट बॉक्स वन लेकिन जो विजिबल होते हैं फ्रंट एंड पे द प्रॉपर्टी यूज्ड इज टेक्स्ट सो यू कैन सी द टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नल हियर सो दैट्स व्हाई इट इज कमिंग एज अ एमसीसी सिमिलरली फॉर टेक्स्ट बॉक्स टू देन लेबल फोर में मेरे को रिजल्ट डिस्प्ले करना है अगर आपको यहाँ पे इसको डिसेबल करना है तो टेक्स्ट को आपको यहाँ पे निकाल That is up to you whether you want to keep or not to see. अब मैंने label 4 का text property null कर दिया है, so there is no field on the form. Okay. The last control, this is a button. Button 1. Can you able to see button 1 here? Yes. Yes. So these are the properties for the button. So name will be button 1 and text में हमने set करा हुआ है display name. All right. So Then you will double click. किस पर double click करेंगे? Where we will write the code? On the button. So when you will double click on this, this is called a code window. What do we call this? Code window. In the code window, what will be the code? Label 4 में हमने text display करना है. So label 4.text क्या value देंगे? Text box 1.text क्योंकि हमने text box 1 की value उठानी है. At the form, the text box one name, first name को किसके साथ join करना है? Last name के साथ. First name कहाँ पे enter हो रहा है? In a text box one. Last name कहाँ पे enter हो रहा है? Text box two. Okay. So we will join them with the help of plus operator. अगर आप numeric values लोगे, now listen carefully. If you will take numeric values. तो अगर आप सिंपली इतना लिखोगे टेक्स्ट बॉक्स 1.txt प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2.txt इट विल नॉट गिव यू द आंसर नाउ व्हाई सो
क्योंकि जो आप डेटा एंटर करते हैं फॉर्म में दैट विल टेक एज अ स्ट्रिंग डेटा, वहां पे स्ट्रिंग डेटा हमारा एंटर होता है. ओके, अभी नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो स्ट्रिंग ही है. स्ट्रिंग मींस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग. नाउ फर्स्ट नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट से आपका नेम बन रहा है, लास्ट नेम भी आपका अल्फाबेट से ही बन रहा है. तो जब हम अल्फाबेट को स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्लस ऑपरेटर, एंड ऑटोमेटिकली इट विल ज्वाइन दैट. अब मैंने आपको स्पेस वाला कंसेप्ट भी बताया था कि अभी ये कलेक्टिव एक जैसे कंबाइंड नेम आएगा, व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पेस यू विल हैव टू राइट प्लस अगेन एंड इंक्लूडिंग द डबल कोट में स्पेस. ओके, अब जो भी आप फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स में डेटा एंटर करते हो दैट इज एज अ स्ट्रिंग डेटा. लेकिन जब आपको न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर करनी है, यू वांट टू ऐड, तो आप एडिशन तो न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही करोगे. फॉर एग्जांपल मैंने किया फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड नंबर इज 30. नाउ आई वांट टू ऐड फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो वहां पे 10 और 20 विल एक्ट एज अ स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि आप क्या लगा रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स 1.text. ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू को उठाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है val, val. फंक्शन बी ए एल वैल. टेक्स्ट बॉक्स वन का जो टेक्स्ट है जो भी एंटर किया यूजर ने उसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी एज अ इंटीजर, एज अ न्यूमेरिक, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स वन का टेक्स्ट जो है वो एज अ क्या एक्ट कर रहे हैं, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू. तो अगर हम वैल फंक्शन लगा रहे हैं, वैल विल कन्वर्ट दैट टेक्स्ट एज अ न्यूमेरिक वैल्यू. तो अगर इसीलिए अगर आप 10 और 30 लोगे प्लस करोगे तो 10 की वैल्यू फिर एज अ न्यूमेरिक वैल्यू बन जाएगी, 30 की भी बन जाएगी, ओनली इफ यू विल अप्लाई अ वैल फंक्शन इन फ्रंट ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड टेक्स्ट बॉक्स 2. अभी तो हमारा इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रिंग ही चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो वी डू नॉट रिक्वायर वैल. क्लियर, ये चीज क्लियर है बच्चे? नाउ व्हाट आर द 3 मेथड्स फॉर रनिंग द वीबी एप्लीकेशन. First method is start debugging button on the toolbar. Speak out, repeat after me. First method, start debugging method a button on the toolbar. It's not a standard, it's a normal. Okay. Then F5 shortcut key you can use. Third method, debug menu, start debugging option. Debug menu, start debugging option. So let's run this. So this is the application we got after designing. Now I want to enter. So this is the first name, the last name, display name. So I'll give Arijit. Okay, now you can see there is not a space in between Arijit and Singh. Why so? Space kyun nahi hai? Kyunki maine sirf first name aur last name ko join kar. And if you want add a space, how we can give space? Plus ke andar kya denge hum, double quotes ke andar space, and then pehle humne first name diya, first name ko humne add kiya, plus ka matlab yahan pe add ho raha hai na, join ho raha hai. So first name ko maine kiske sath join kiya, space ko. So space ko further maine kiske sath join kiya, text box 2 ke sath. Clear, first name space last name. Clear hai bachche? Now fill the data. Now space is there. आप दोनों तरह से try करो, पहले without any space, ठीक है, output run करने के बाद, then उसके बाद plus operator देके space लगाओ and then reset the output. फटाफट से ये वाली application complete करो, फिर हमने addition of 2 numbers भी करते हैं. Be quick. Yes, online students, बच्चे. Do this practical side by side on your system. Firstly, go to the toolbox. Toolbox से drag करके लेके आओ. और ये जो मैंने चीज लगाई है, this is a label. This is not a text box. You people are making a confusion between text box and label.
सी हेयर, जिनको नहीं पता चल रहा सी या लुक हेयर, दिस इज अ टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के ऊपर आपके पास क्या आते हैं? कंट्रोल। टूल बॉक्स के ऊपर क्या आते हैं? हाउ टू प्लेस अ कंट्रोल। अगर आपको लेबल लेके आना है तो सिंपली लेबल को सिलेक्ट करके ड्रैग करो यहाँ पे। अब मैंने ड्रैग किया तो मेरे पास लेबल आ गया। अगर आपको ये मेथड नहीं यूज करना तो व्हाट यू कैन डू इज आप टूल बॉक्स पे जाओ, लेबल लेके आना है, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक से भी यू कैन सी सी दिस लेबल इज अपीयरिंग नाउ। ओके, और अगर आपको डिलीट करना है सिंपली सिलेक्ट दैट कंट्रोल एंड प्रेस डिलीट। द गर्ल आफ्टर सिया, पता चल गया कि आपको फॉर्म पे कंट्रोल्स लेके आने होते हैं, ड्रैगिंग से नहीं आएंगे माउस पॉइंटर से, कंट्रोल को ड्रैग करके लेके आओ। यस बबलीन, पता चल रहा है आपको? किसको हो गए फर्स्ट एप्लीकेशन? हु हैज क्रिएटेड? इट्स फ्रॉम व्यू, अदर विंडोज, देन टूल बॉक्स। ये कमांड्स आपको क्लास में बताई थी। अगर आपको व्यू में जाके कोई भी कंपोनेंट नहीं मिल रहा तो यू कैन टेक इट फ्रॉम द व्यू मेन्यू, अल्टरनेटिवली विंडो पे जाके यू कैन रीसेट विंडो लेआउट, तो सारा का सारा विंडो एप्लीकेशन दोबारा से रीसेट हो जाएगा। विंडो मेन्यू रीसेट विंडो लेआउट। जल्दी से करो कोडिंग, कब करोगे सेकंड एप्लीकेशन आप? हाँ जी बच्चे हो गए हैं। और जिनको पता नहीं चल रहा स्विच कैसे करना है डिजाइन और कोडिंग में, अगर आपने ओपन कर लिया हो तो लुक हियर, दिस इज अ डिजाइन, जहां पे डिजाइन आ रहा है। अगर आपको कोडिंग में जाना है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी जा सकते हैं, ऊपर टैब्स हैं आपके पास डिजाइन और। ऑल राइट, कंप्लीट दिस। ये भी आपके पास क्या है? लेबल थ्री। ये लेबल्स आपने लेने हैं फ्रॉम अ टूल बॉक्स से। आप तीन बार ही लेबल्स को ड्रैग करके लेके आओगे। ओके, फर्स्ट वाले लेबल को यहाँ पे रखो, सेकंड लेबल को यहाँ पे रखो, थर्ड लेबल की प्लेसमेंट यहाँ पे सेट कर। अब सुन लो प्रग्नु, ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आप प्लेस करोगे तो आपके पास आ रहा होगा लेबल वन, लेबल टू एंड लेबल थ्री। बट हमें क्या नेम चाहिए? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिस्प्ले नेम। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? लेबल वन, लेबल टू एंड लेबल थ्री। ये बात क्लियर हो गई? तो इसको चेंज करने के लिए हमें इन तीनों की प्रॉपर्टी विंडो के अंदर जाके, प्रॉपर्टी विंडो के अंदर जाके टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करनी है। प्रॉपर्टी विंडो पे जाओ, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट लेबल को पहले सिलेक्ट करो, उसके टेक्स्ट के अंदर जाके आप लिखोगे एस नेम, फिर एल नेम को सिलेक्ट करो, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाओ, राइट द एल नेम, देन सिलेक्ट लेबल थ्री, गो टू द टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड राइट डिस्प्ले नेम। उसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं फ्रॉम द टूल बॉक्स अगेन। दिस इज टेक्स्ट बॉक्स वन, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स टू, एंड हियर यू विल टेक लेबल फोर। क्लियर है? यहाँ पे हम क्या लेंगे? लेबल फोर। अब ये सब कुछ आपने कर लिया टेक्स्ट प्रॉपर्टी से सेट, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो फॉन्ट, बैक कलर,
लिख के ये भी कर सकते हो, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो लिख के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे। दिस थिंग इज हियर, ये पार्ट है सिर्फ अभी तक डिजाइनिंग पार्ट, अभी सिर्फ हमने अपनी एप्लीकेशन बनाई है, सिर्फ डिजाइन करी है, रनिंग वाला कोडिंग पार्ट अभी नहीं कुछ किया। आप लोगों का ये बना नहीं है और सारे जिन्हें फोन के ऊपर कोडिंग स्टार्ट करके रखे हैं, कोडिंग तो हुआ कि सबसे कब तक चीज नहीं बनेगी। फर्स्ट स्टेप इज टू मेक दिस फॉर्म। आप लोग क्या करो, ये फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक कर रहे हो और वहां पे ओपन हो रहा है फॉर्म अंडरस्कोर लोड और इसके ऊपर सारे कोडिंग करना स्टार्ट कर दो। ये मैंने फर्स्ट में भी आपको यही बताया था, दिस इज द कॉमन मिस्टेक, यू विल नॉट डबल क्लिक ऑन दिस। जो कोडिंग हमने करनी है वो हमेशा हमने बटन पे करनी है, तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा कि अब इसका नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बटन वन अंडरस्कोर क्लिक, और इसके अंदर आपने कोडिंग करनी है। तो ये चीज तभी खुलेगी जब आप बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप, बिकॉज फर्स्टली वी यू हैव टू डिजाइन दिस इंटरफेस। Once you have ready the interface, after that double click on this, code window will open, you will see the line button mark underscore click. अब यहाँ पे आपने कोडिंग लगानी है। अब आप कहाँ पे टेक्स्ट रखना चाहते हैं, कहाँ पे शो करना चाहते हैं आपको, लेवल फोर पे ये तो बटन है, इसको तो क्लिक करोगे यहाँ पे आंसर आएगा, क्या आएगा, लेवल फोर डॉट क्योंकि आप इसके टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट डालना चाहते हैं, देन इक्वल टू किसका किसका एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम के एंटर करोगे, फर्स्ट नेम के अंदर ये क्या है, दिस इज, दिस इज पता नहीं प्रभु ने कहां से फंक्शन भूल गया, डिस्प्ले नेम ब्रैकेट में अपना नेम, इट्स अ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट बॉक्स का, ये टेक्स्ट बॉक्स वन है, इसका क्या पिक करना है हमें, वी हैव टू पिक अ टेक्स्ट, वी हैव टू पिक अ टेक्स्ट, तो इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे डॉट टेक्स्ट। ज्वाइन करना है तो ज्वाइन के लिए ऑपरेटर है प्लस, किसके साथ ज्वाइन करना है, हु वी वांट टू ज्वाइन, टेक्स्ट बॉक्स टू, सबसे पहले जिनका इंटरफेस नहीं बना, इंटरफेस बनाओ। आपको ये भी क्वेश्चन कराया था एक्स्ट्रा में, हाउ टू ट्रेल दी एप्लीकेशन, फर्स्ट थिंग क्या थी, डिजाइन अ फॉर्म, प्लेस द कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म, देन राइट द कोड एंड देन रन द एप्लीकेशन। आप लोग सीधे जमकर के लास्ट स्टेप पे आ गए, फॉर्म भी टाइप करो, आफ्टर डिजाइनिंग अ फॉर्म प्लेस द कंट्रोल, कंट्रोल की सेटिंग करके डबल क्लिक ऑन द बटन कंट्रोल, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस देन राइट दिस कोड। एक एप्लीकेशन में बच्चे पूरा टाइम लगाओगे तो कैसे करेंगे, 15 डेज के बाद एक लैब आ रही है हमारे पास। लेबल क्यों करी आपने, ठीक है।